हाँ जी, ये अब हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हेमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी, क्या हेमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी थी? रिवेंज, द डिजायर टू रिटेलिएट फॉर एन इंजरी, इज अ पावरफुल नेचुरल एंड डेंजरस ह्यूमन इमोशन. इट इज अ फीलिंग दैट नेवर स्लीप. इट इज एज प्रेवलेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड एज इट एवर वॉज अमॉन्ग द फिगर्स ऑफ हीरोइक एंड लेजेंडरी पास्ट. रिवेंज जो है वो एक डिजायर है कि आप रिटेलिएट करते हैं फॉर एन इंजरी, यानी कि इंतकाम. और ये एक पावरफुल नेचुरल और डेंजरस ह्यूमन इमोशन है, और ये एक ऐसी फीलिंग है जो कभी मरती नहीं है. इट इज अ प्रेवलेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड एज इट एवर वॉज अमॉन्ग द फिगर्स ऑफ हीरोइक एंड लेजेंडरी पास्ट. और ये जो है प्रेवलेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि ये हमेशा से इट वॉज अमॉन्ग द फिगर्स ऑफ हीरोइक एंड लेजेंडरी पास्ट. Revenge is a feeling that never sleep. It is feeling that greatly appeals to dramatist, for it provides a coherent and logical framework for the depiction of human passion. A series of events can clearly be seen to start with some original crime and end when that crime has been avenged. The Greek tragedians used the theme of revenge many times, and it reached the Elizabethans as part of the classical heritage through the literature of Rome. Revenge tragedy is especially associated with the name of Seneca, an ancient Roman dramatist. Hamlet has its origin in dramatic tradition of revenge tragedy. Following our chief features of a revenge tragedy, dekhte hain revenge tragedy kaisi hoti hai. It deals with crimes, usually murder, with varying motives. Number two, duty of vengeance is laid on next of kin or near relative. Number three है, invariably a ghost is involved. Revenge tragedy के अंदर एक ghost जो है वो involved होता है, generally the ghost of the dead, which reveals the crime committed and lays upon the hero the duty of avenging the murder. और वो जो है reveal करता है crime जो commit होता है, और वो हीरो को बताता है कि वो अब उसकी ड्यूटी है कि अब वो इस जो मर्डर है उसको उसका बदला ले. द ड्यूटी इज एक्सेप्टेड एज समथिंग सेक्रेड, और ड्यूटी जो है ऐसे एक्सेप्ट की जाती है जैसे कोई चीज सेक्रेड हो, होली हो, ठीक है, एक होली ड्यूटी समझ के उसको परफॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है. देयर इज मच ब्लड शेड एंड क्रूड फिजिकल हॉरर्स, और इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड शेड्स होते हैं, क्रूड फिजिकल ऑरर्स होते हैं. द लैंग्वेज इज जनरली एस्टाउंडिंग एंड बम्बास्टिक, और लैंग्वेज जो होती है वो जनरली एस्टाउंडिंग और बम्बास्टिक होती है. लेट अस अप्लाई नाउ ऑल दिस चीफ फीचर्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी ऑन हैमलेट. अब जो है हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये चीफ फीचर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, सिक्स चीफ फीचर्स हैमलेट के ऊपर, कि क्या हैमलेट वाकई एक रिवेंज ट्रेजेडी है या नहीं. Hamlet is ordered by his father's ghost to revenge his murder. When the ghost finds Hamlet inactive, it appears again and urges him to speedy revenge. Hamlet considers his duty as something sacred, hence revenge becomes the central theme of the Hamlet. Hamlet jo hai usko uska jo father hota hai, ghost father ghost, wo usko order karta hai ki wo apne uske murder ka badla le. और जब गोस्ट देखता है हैमलेट को इनएक्टिव, इट अपीयर्स अगेन, तो वो दोबारा आ जाता है एंड अर्जेस हिम टू स्पीडी रिवेंज, और उसको कहता है कि तुम जल्दी से बदला ले लो. हैमलेट कंसीडर्स हिज ड्यूटी एज समथिंग सेक्रेड, हेंस रिवेंज बिकम्स द सेंट्रल थीम ऑफ द हैमलेट. तो ये जो रिवेंज है ये सेंट्रल थीम बन जाता है हैमलेट का. देयर इज ब्लडशेड, वायलेंस एंड टेरिफाइंग सीन्स इन द प्ले. जर्ट्रूड डाइज हैविंग ड्रंक द पॉइजन्ड वाइन, followed by Claudius, who is wounded by Hamlet with the poisoned sword and compelled to drink to remains of the poisoned wine. और उसको वो मजबूर करता है कि अब वो जो है मतलब वो मजबूर किया जाता है कि वो poisoned wine पी ले. Hamlet, Laertes and Laertes die with the wounds of the same poisoned sword at each other's hand. दोनों ही एक दूसरे को वो जो पॉइजन सॉर्ड एक दूसरे को लगती है उसकी वजह से दोनों ही मर जाते हैं. दिस शेक्सपियर्स हैमलेट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिवेंज प्ले, बट हिज ट्रीटमेंट ऑफ रिवेंज थीम मेक्स द प्ले मच मोर देन अ मेयर रिवेंज ट्रेजेडी.
Though it is a tragedy of blood and honor, yet the treatment of theme is not so crude and too gross as that of conventional revenge tragedy. To sum up, we can say that to call Hamlet a mere revenge tragedy would be a great injustice to work, as it would ignore the play's artistic superiority over other plays of this genre. The bombastic language, the universal issues it takes up and tries to resolve the complex nature of its hero, all these qualities lift Hamlet much above what is conventionally termed revenge tragedy. Aage points to remember hai, definition of revenge hai, Greek and Roman dramatists were harbingers of revenge tragedy. Revenge tragedy is marked by certain features like murder followed by revenge and bloodshed. Hamlet contains all the features of revenge tragedy, but it is not merely a revenge tragedy. Lekin wo sirf merely revenge tragedy nahin.